हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हमने एक वीडियो बनाया था सिंगल कलर के तोरण के ऊपर, जो कि कुछ इस तरीके का था, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड रखी और इतनी डिमांड रखी कि हम पूरी ही नहीं कर पाए। तो उसी के लिए हम आज सेकंड वर्जन उसका लेके आए हैं। वो था हमारा वी शेप का, और अभी जो लेकर के आ रहे हैं ये है एम शेप। अब एम शेप का क्या मतलब होता है? इसका जो व्यूइंग एंगल है वो एम जैसा दिखता है, मतलब इसमें दो साइड लाइन है, बीच में वी बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमारा यह तोरण दिखेगा, और आज की इस वीडियो में हम आपको बनाना सिखाएंगे इस तोरण को, जिसमें हम आपको बताएंगे कैसे इसको बनाते हैं, क्या सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्या क्या सामान की इसमें जरूरत पड़ती है, और इसकी शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हमें क्या क्या सामानों की जरूरत भी पड़ती है, और इसको लड़ी मार्केट से खरीद के लाने से बिल्कुल हम चालू करने तक की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में आखिरी तक जुड़े रहना, और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप हमारी जो अपडेट्स हैं वो पहले पाने के लिए, और व्हाट्सअप चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही रखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों की लिंक है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल, ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, सारी चीज़ें जल्दी फास्ट देखने को मिल जाएगी, और ऑर्डर भी आप सबसे पहले कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पर अपडेट सबसे पहले आता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या सामानों की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रहे वो सारे सामान जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली इस तोरण में। तो ये तो है हमारी 5 इंच वाली सिंगल कलर की लड़ियां, जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर मेरे पास टोटल अवेलेबल है। अब इन 6 कलर को मैं चलाऊंगा, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो कटिंग करना पड़ेगा। आप कटिंग की मैं गाइडनेस आपको एक पेन पेपर पे गाइड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इनको साइड में कर देता हूँ, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा इसमें हमें क्या क्या औजार की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो मैंने कर दी साइड में। तो ये रहा हमारा पेन पेपर, इसमें मुझे सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से डिजाइन कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा इसका सैंपल, इसमें हम कुछ इस तरीके से इसको डिजाइनिंग करेंगे कि ये दो जो हमारी लड़ियां रहेगी ये रहेगी बराबर। बराबर मीन्स एकदम बराबर। कलर हम डिसाइड बाद में करेंगे, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से एम शेप तोरण हम बनाने वाले हैं, जिसमें टोटल बीच में हम 8 लाइन दे देंगे, और उसके बाद वापस हमारा ये एम शेप कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जिसमें 2 लाइन ये हो गई, फिर उसके बाद 2 लाइन लास्ट में हो गई, ये तो हो गई बराबर वाली। फिर ये दो जो बीच में है ये भी है बराबर, तो इसको भी मैं बराबर कर देता हूँ। फिर उसके बाद ये वाली और ये वाली बराबर है, और ये वाली टोटल, मतलब यहाँ पर बीच में इसमें, तो यहाँ पर टोटल हमारी 2 लड़ी स्टार्टिंग में हो जाएगी, 2 लड़ी आखिरी में हो जाएगी। अब ये आखिरी वाली अपन इस वाले एम के साथ काउंट करेंगे, अब पूरा जो सेटअप है वो इसके साथ, ये अपन इतना वाला ही मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद ये वाला स्टार्टिंग यहीं से हो जाएगी, वापस यही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन स्टार्टिंग में है और 7-8 लाइनें बीच में रहेंगी। तो मैं बताता हूँ आपको सिंपल तरीका। ये तो है हमारी लड़ी जिसमें होते हैं 50 बल्ब। तो अपने को कुछ इस तरीके से इसको कट करना है कि आपको एक जो फर्स्ट लाइन है जिसमें अपन 12 बल्ब वाली जो लड़ी है वो लगाएंगे। तो ये तो हम लगा रहे हैं व्हाइट कलर में, तो ये व्हाइट कलर जो आप देख रहे हैं ना, इस वाले व्हाइट कलर को हम 12 बल्ब में यहाँ पर काट लेंगे। दोनों ही 12 बल्ब की रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो तीसरी लाइन आएगी उसमें हम काट रहे हैं 4 बल्ब, तो ये हो गए हमारे 4 बल्ब। फिर उसके बाद हम काटेंगे 6 बल्ब, तो ये हो गए हमारे 6 बल्ब। ये हम कलर वाली बात कर रहे हैं, ये तो हम व्हाइट रखने वाले हैं जो हमारा तोरण की थीम है, और बाकी ये कलर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं 4-6 काट दिया हूँ। फिर उसके बाद हम काटेंगे तीसरी लाइन जिसमें हमारे रहेंगे 7, फिर वापस चौथी लाइन जिसमें हमारे रहेंगे 8, और वापस से इसको, अब ये एम तो हो गया, एन बन गया ना, अब इसको ए वापस एम बनाना है। तो उसके लिए हम वापस इसमें 8 काट देंगे, इसमें से हम 7 काट देंगे, इसमें से हम 6 काट देंगे, और इसमें से 4 काट देंगे। तो हमारी अब एलईडी कितनी होगी टोटल? 4, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर 4+6+7+8, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4 लड़ी हमारी काउंट हो गई, और इसी तरीके से 8, 7, 6, 4। तो इसको मैं प्लस कर देता हूँ, 8+7+6+4, तो ये टोटल हमारे 50 बल्ब आ जाएंगे। तो एक लड़ी हमारी, मतलब ये जितने भी लाइन कटी ना, इसमें हमारी लड़ी पूरी यूज हो गई, एक भी चीज वेस्ट नहीं हुई हमारी इस वाली सिस्टम में। अब बची ये 12-12 बल्ब वाली, तो इसका भी मैं बताता हूँ आपको। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक जुगाड़ और लगाएंगे। तो जैसे 12, 12, 24 कितने बल्ब हो गए हमारे, 24। अब ये जो हमारी लड़ियां हैं ये टोटल 8 लाइन है, तो हम क्या करेंगे, 8 लाइन में 2 बल्ब और जोड़ेंगे व्हाइट कलर के। तो ये जो 4 हैं ये हो जाएंगे यहाँ पर, 2 व्हाइट जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 6, और ये भी 6 वाले जो 8 हो जाएंगे, 7 वाले 9 हो जाएंगे, और 8 वाले 10 हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी 2-2 बल्ब हम इन सभी में भी लगाएंगे। तो हमें 8 लाइन में 2 बल्ब लगाएंगे तो टोटल ये 16 बल्ब हो जाएंगे। तो यहाँ पर 24 बल्ब तो इसमें लग गए और बाकी बचे 16 बल्ब, तो ये हो गए हमारे
टोटल 40 बल्ब, टोटल 40 बल्ब हमारे हो गए, बचे इसमें से 10 बल्ब जो कि अगले दो दो बल्ब कटने में काम आ जाएंगे। तो चलिए मैं सिंपल तरीके से, ये तो हो गया इसका नॉर्मल चीज, जैसे भी इसको बना के भी दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं लड़ी काट के ही आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, जिसमें आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो ये रही हमारी पिक्सल, कलर आप कोई सा भी चूज कर लेना, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसमें जैसे मान लीजिए ये हमारी लड़ी हो गई, इसमें 50 बल्ब होते हैं, तो इन 50 बल्ब में से जैसा कि मैंने अभी बताया, पहले हम काटेंगे 4 बल्ब जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, इसको मैं यही रख लेता हूँ 4 बल्ब। तो 1, 2, 3 और 4 हमारे ये 4 बल्ब हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। अब इन 4 बल्ब को अपन डायरेक्टली काट देते हैं। तो उसके लिए हमें टूल्स में सबसे पहले सीजर की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम बीचों बीच से काटेंगे। देखिए यहाँ से मैंने इसको बीचों बीच से काट दिया, ठीक है। तो ये हमारे 4 बल्ब आ गए, ठीक है। अब हमें 4 बल्ब की तो 2 लाइन है ना हमारी, तो इसलिए अब 4-4 बल्ब की हम 2 लाइन काट लेंगे। तो ये हमारी होगी दूसरी लाइन, तो इस पे मैं वापस सीजर लगाता हूँ और ये कट। 4-4 बल्ब की 2 लाइन, मतलब ये वाली लाइन कंप्लीट और ये वाली लाइन भी कंप्लीट। अब बारी लेते हैं हम 6 नंबर की, तो यहाँ पर 6 नंबर में लेता हूँ 6 बल्ब लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 बल्ब, हमारे टोटल ये 6 बल्ब हो गए। और इन 6 बल्ब को मैं यहां से काट लेता हूं। तो कुछ इस तरीके से ये 6 कट गए। अब हमारे 6 वाले भी 2 पार्ट है ना, तो हम 6 वाले भी 2 ही काट लेते हैं। अब इसमें ना इस तोरण को बनाने में पूरा ध्यान ये रखा गया है कि 1 रुपए का सामान भी वेस्ट ना हो, जिसमें सारा का सारा हमारा जितने भी बल्ब हैं, जितनी भी लड़ियां हैं, सारी चीजें काम में आ जाएगी। तो यहाँ पर 6 बल्ब की मैंने दूसरी काट ली, तो ये हमारी 6 वाली भी मैं साइड में रख देता हूँ। ये होगी 4 वाली, ये होगी 6 वाली। अब इसके बाद बारी आती है 7 वाली की, तो यहाँ पर 4, 5, 6 और ये 7, ये 7वां नंबर का बल्ब है, इसको मैं सिंपल यहाँ से काट देता हूँ। तो यहाँ पर से ये 7 वाली भी कट गई है 1, और ऐसे ही मैं यहाँ पर से बाकी लड़ियां भी काट लेता हूँ। ये हमारी 7 वाली भी कट गई। अब बचे हमारे, अब देखिए यहाँ पर हमने 6 वाली भी काट ली, ये वाली भी, और ये वाली 6 वाली भी कट गई, ये 7 वाली भी कट गई, ये 7 वाली भी कट गई। अब हमें चाहिए 1-8 वाली और 1-8 वाली, मतलब दो हमें 8-8 बल्ब की 2 लड़ियां चाहिए। तो हमारी जो लड़ी है वो बची है इतनी, अब ये टोटल 16 बल्ब बचे हैं। तो मैं गिनने की बता देता हूँ आपको, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल ये 8 बल्ब हो गए हमारे। 8 बल्ब हम कुछ इस तरीके से यहाँ से काट देते हैं, और बचे हमारे वापस से ये 8 बल्ब। तो ये 4 इस साइड है और 4 इस साइड है, टोटल 8 बल्ब हमने यहाँ पर काट दिए हैं। तो टोटल 16 बल्ब हमारे ये हो गए, 7-7 वाले ये हो गए और 6-6 वाले हो गए और 4-4 वाले हो गए। तो टोटल यहाँ पर सारी लड़ियाँ हमारी कंप्लीट कट चुकी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको बॉर्डर किस तरीके से लगाते हैं। तो ये जो लड़ियाँ मैंने काटी हैं, ये जो कलर कोड हमारा है, जो हमारा 4-6-7-8, 8-7-6-4, ये हमारी कलर में कटेगी। मतलब ये हमारे जितने भी कलर हैं, हम 5 कलर का हिसाब से बनाएंगे, जैसे ये व्हाइट हो गया, ये ब्लू हो गया। तो जैसे भी जितने भी कलर हैं, मैं सबकी लड़ियाँ काट लेता हूँ। और उसके बाद हम अब इनके ऊपर जो बॉर्डर की मैंने बात करी थी, जो हम ये वाले जो 2 बल्ब काटेंगे, 8 बल्ब, 8 टुकड़े काटेंगे हम 2 बल्ब के। तो पहले मैं ये 12 वाले भी काट देता हूँ जो कि हमारा यहाँ पर है, और ये 8 वाले भी मैं काट देता हूँ। तो टोटल हमारे 16 बल्ब इस तरीके से कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी व्हाइट कलर की लड़ी रही, इनको मैं पहले साइड कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से ये रही हमारी व्हाइट कलर वाली। सबसे पहले यहाँ पर 12 बल्ब काटने हैं, तो 12 बल्ब बस सिंपल है, गिनना है और काटना है, इसमें प्लस माइनस का लफड़ा है ओनली, इनपुट आउटपुट कोई होता नहीं है। दोनों साइड से इन कर सकते हैं, दोनों साइड से आउट हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे ये हो गए 12 बल्ब, और यहाँ पर हम इसको काट देते हैं। तो ये हो गए हमारे 12, और वापस सेकंड लाइन में भी हमें 12 काटने हैं। तो कुछ इस तरीके से हम 12 को कर लेते हैं कंप्लीट, और ये हो गए हमारे 12 की जो 2 लाइन हो गई, इनको सिंपल कुछ नहीं करना, ओनली कट करना है, प्लस माइनस का ओनली देखना है। और प्लस माइनस सब में मैं अभी आपको नॉर्मल चीज है वो दिखाऊंगा। यहाँ पर 12 हो गए हमारे, क्लियर। अब उसके बाद ये जो बची है हमारी, इसमें से 2-2 बल्ब हमें काटने हैं, जो कि हमारे अपने कटेंगे यहाँ पर 8 टुकड़े। तो ये 2 बल्ब हो गए, इसको मैं काट देता हूँ यहाँ से 8, 3, 4, 6, 8। इस तरीके से हमने 8 बल्ब यहाँ पर कट गए, 8 लाइन कट गई हैं 2-2 बल्ब की, और बचे हमारी ये 10 बल्ब। अब ये 10 बल्ब कैसे काम में आएंगे, चलिए बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए हम इस हार में, यहाँ पर एक पलट लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हम
एक जो एम शेप है हमारा कुछ इस तरीके से जो एम बन रहा है, हम ये वाला एम इसका डंडा नहीं ले रहे हैं, ओनली ये और ये ले रहे हैं, इसमें हमारी टोटल 10 बल्ब बच रहे हैं। ठीक है, तो अब तो टोटल वाइट वाइट का गिन लीजिए। यहाँ पर हमारे कुछ इस तरीके से जो सेटअप बनेगा उसमें दो लाइन 12 की हो गई तो 24 बल्ब हो गए, या टोटल आप एक एवरेज लगा लिए कि इसमें 40 हमारी बल्ब हो गए टोटल। तो ऐसे हमारे बनेंगे टोटल 5 हार, तो 40 बल्ब इंटू 5 तो टोटल आ जाएंगे हमारे 200 बल्ब। मतलब ये जो व्हाइट कलर वाला देख रहे हैं ना आप, ये भी एक वेस्टेज नहीं जाएगा, चार लड़ी में पूरा सेटअप हमारा रेडी हो जाएगा। तो चार तो ये, बाकी और मैं बताता हूँ आप ये आपको, जिसमें आपको ये जो 200 बल्ब मैंने गिने हैं किस तरीके से गिने हैं आपको कंप्लीट में बताऊंगा भी सही। मतलब कुल मिला के इसमें एक भी बल्ब वेस्ट नहीं जाएगा, चाहे वो व्हाइट कलर हो चाहे वो कोई सा भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ये तो हो गई बहुत लंबी चौड़ी बातचीत जिसमें कटिंग की नॉलेज मैंने आपको दी, अब बताते हैं कि इन लड़ियों को आपस में कैसे असेंबल करना है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं लेता हूँ ये चार वाली लड़ी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन चार वाली लड़ी में दो बल्ब जैसा कि मैंने बताया था आपको यहाँ पर जोड़ना है। तो ये दो वाली लड़ी में लेता हूँ और सिंपल मुझे कुछ करना तो है ही नहीं, ओनली प्लस माइनस देखना है। तो यहाँ पर मैं इसको मैच कर देता हूँ। मैच कैसे करना है, सिंपल वायर छीला, तो यहाँ पर हमारे चार बल्ब ये हो गए। इनको सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, इस वायर स्ट्रिपर की सहायता से इनको छील लिया और ऐसे ही इस वाले दो जो हमारे दो बल्ब वाला है इसको भी छील लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारे दो वायर यहाँ आ गए, दो वायर यहाँ आ गए। अब इनको जोड़ना ही तो है, तो उसके लिए टूल्स में हमें ये हीट स्लीव की भी जरूरत पड़ेगी जो कि इन वायर के हिसाब से 2.5 mm की इनफ है। तो यहाँ पर मैं इस स्लीव को इसमें डालता हूँ, दोनों वायर में डाला, प्लस एंड माइनस मैच किया। कैसे मैच किया, प्लस पर हमेशा इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये लाल निशान दिख रहा है आपको, किसी में लाल आता है किसी में कलर आता है, लेकिन सब में निशान जरूर होते हैं कि व्हाइट कौन सा है या प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो बस यहाँ पर ये दो वायर से दो वायर जोड़े हैं और हमारी लड़ी कंप्लीट रेडी। अब इसमें ये तो मैंने कर लिया लड़ी रेडी, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी और मैं मेहनत करूँ या और अच्छी क्वालिटी से दिखने चाहें तो हम इसमें टाई भी लगा सकते हैं, तो वो तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ये सही, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं बेस्ट करते हैं। टूल्स में हम ये लाइटर यूज़ कर रहे हैं, आप हीट गन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं सिंपल कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओनली ये जो हमारी स्लीव है इसको जला रहा हूँ, क्योंकि जो हमने हीट स्लीव लगाई है वो जलने के बाद इसको वाटरप्रूफ कर देगी। तो हमारी लड़ी भी वाटरप्रूफ, हमारा तोरण भी वाटरप्रूफ और हमारा सारा सिस्टम भी वाटरप्रूफ हो गया कुल मिला के, आप ये मान लीजिए। यहाँ से मैं इसको जला देता हूँ, ये हमारा कम्प्लीटली मजबूत हो गया है। अब इस पे लड़ी पे अपने को टाई लगानी है, तो जैसे मान लीजिए ये ऊपर की साइड रहेगा अपना, तो ऊपर तो ये इसको बल्ब को नीचे रखेंगे तो उससे क्या होगा कि ब्राइटनेस नीचे खड़े रहने वाले को सही दिखेगी, क्योंकि बिल्डिंग से खड़े रह के इसको अगर नीचे से देखेंगे तो ही ये सही दिखेगा। तो यहाँ से मैं ये लेता हूँ हमारी टाई जो कि नॉर्मल होती है 4 इंच वाली, इसको मैं लड़ी पे कुछ इस तरीके से लगा लेता हूँ। और करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल ही तो मामला है, ओनली टाई लगानी है, इसमें हमें वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारी लड़ी हो गई कंप्लीट। देखिए यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसका बल्ब का मुंह नीचे, आपको अगर क्लियर दिख रहा होगा तो ये बल्ब का मुंह नीचे की साइड जो कि अपना कुछ इस तरीके से लगेगा, तो सारे बल्ब का मुंह इस साइड, यहाँ पर हमारी हीट स्लीव लग गई और इसके नीचे दो बल्ब हमारे व्हाइट वाले कनेक्ट हो गए। तो ऐसे इन सारी लड़ियों में हमें करना है, तो कुछ ज़्यादा स्पेशल काम नहीं, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर कट करूंगा और ओनली मैं यहाँ से ये जो एक लड़ी तैयार कर ली, इसी तरीके से आपको सारी लड़ियाँ तैयार करनी है, इनमें भी आपको लगाना है और सारे कलर्स में भी लगाना है। सिर्फ ये बहुत ही सिंपल काम है, इसलिए इस वीडियो में मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ और यहाँ से आगे का मैं डायरेक्टली तोरण बना करके या जो लड़ियाँ मेरी बन चुकी है उनको मैं असेंबल करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं लेके चलता हूँ आपको जहाँ हमारा तोरण बन रहा है। और हाँ, इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, ये है एक 100 वाट का पावर सप्लाई। जरूरी नहीं है कि इसमें 100 का ही लगेगा या 200 का ही लगेगा, आप अगर ज़्यादा एलईडी लगाते हैं या बड़ा लगाते हैं तो उसमें इसकी जो क्वांटिटी है, जो एम्पियर्स हैं, जो वाट है, वो बढ़ सकते हैं। तो इसकी वजह से ये चीज़ फिक्स नहीं है, अभी जो मैं बना रहा हूँ उसके लिए ये कंफर्टेबल है इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगा, तो ये चीज़ कभी भी फिक्स नहीं होती है। फिर भी चलिए दिखा देता हूँ आपको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो लड़ियाँ बनाई थी उसको कुछ इस तरीके से हमारे जो तोरण है ये पूरा का पूरा सेटअप है इस पर लगा दिया। अब शेप बताता हूँ, जो हमने 12 बल्ब के ली थी वो यहाँ पर लग गई दो लड़ियाँ, उसके बाद 4 बल्ब लग करके 2 बल्ब हमारे व्हाइट वाले हो गए, उसके बाद 6 बल्ब लग के 2 बल्ब हो गए व्हाइट वाले लग गए, फिर उसके ऐसे ही हमने 7 वाला लगा दिया और 8 वाला लगा दिया। अब जो 8 वाले हैं वो दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर 2 बराबर फिर उसके बाद वापस छोटा फिर वापस छोटा फिर वापस छोटा, और ये जो देख रहे हैं वापस 2 हमारी हो गई 12 बल्ब की व्हाइट कलर की लाइनिंग, मतलब कुछ इस तरीके का शेप हमारा बन गया।
अब यहाँ पर क्या किया मैंने, ओनली एक सिंपल सी चीज है, ये जो का वायर है इस पर हमने इस लड़ी को लगा दिया। अब ये मैंने कॉटन का रोप लिया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, कॉटन का लीजिए या डायरेक्ट तार पे लगा सकते हैं। वैसे इस रोप से इसकी ये मान लीजिए कि लाइफ बढ़ जाती है और खिंचती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो तोरण है वो बन गया। अब बस बात आती है कनेक्शन की, तो कनेक्शन मैंने कैसे कर रखे हैं, मैंने आपको बताने के लिए पहले से एक लड़ी में कनेक्शन कर रखे हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे प्लस एंड माइनस, जो मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा आपको। तो एक लड़ी में हमेशा दो कलर के वायर होते हैं, जैसे इस पर आपको दिख गया कि वाइट और रेड है, ऐसे इसमें आपको वाइट और दूसरा कलर दिख गया, और दूसरा कलर दिखाऊंगा ये वाला वाइट है, इसमें वाइट और ब्लैक है, और कलर दिखाता हूँ पिंक वाले में, ये एक पिंक है एक वाइट है। तो कलर के हिसाब से ही जो है हमारा इसमें प्लस माइनस डिसीजन होता है। चलिए बताता हूँ कनेक्शन, तो मैंने क्या किया, जैसे ये हमारी लड़ी है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो एक मैंने ब्लैक वाला जो है उसमें एक तार जोड़ दिया, और दूसरा वाला रेड वाले में भी एक तार जोड़ दिया। अभी मैंने इस पर हीट सिल्यू लगा रखी है क्योंकि हम क्वालिटी में काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि इस पर हीट सिल्यू लगी हुई है। अब इसको जला देंगे, अभी जलाया नहीं है, वो हम आपको चेक करके दिखाएंगे लाइव, उसके बाद इसको जलाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये हो गया वाटरप्रूफ, हम लड़ी हमारी वाटरप्रूफ हो गई, तार हमारा वाटरप्रूफ होता है, और ये लगाने से लड़ी जो हमारी कंप्लीट वाटरप्रूफ हो गई। अगर अपन इस पर रेनप्रूफ SMBBS लगा दें तो पूरा सेटअप ही वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ये वाले जो वायर है इनको जोड़ना है और कनेक्शन करना है। चलिए मैं आपको एक लड़ी के जोड़ के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो मुझे कट करना है। अब कट ये मेरा जो वायर स्ट्रिपर है, इससे बहुत ही आसानी से मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए वायर स्ट्रिपर से जो कट होते हैं ना, उस पर वायर ओनली जो PVC है वो छिलता है, वायर इसमें नहीं कटता है। ये टूल भी आप हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पर दो है तो एक प्लस एक माइनस है, सिंपल है। तो देखिए मैं एक को प्लस का प्लस में जोड़ देता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ऐसा कोई स्पेशल इसमें काम नहीं है। वो मतलब इतना सिंपल है कि इसको वीडियो को मैं इतनी लेंथी बनाया, मैंने उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी जो नया प्रोडक्ट होता है वो सभी बनाते हैं, इसलिए हमने इसको इतना लेंथी बनाया ताकि आप लोगों के सारे सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। सी देखिए वायर लगाते ही सिर्फ कुछ इस तरीके से मैंने इसके ऊपर स्लीव चढ़ा दी, ओनली सिर्फ आपको इतना करना है। और ऐसे ही मैं माइनस वाला भी जोड़ देता हूँ। बस वायर लगाया और सिल्यू उस पर चढ़ा दी। और ये जो पिक्सल होती है ना दोस्तों, अगर आप कॉपर वाली लेते हैं ना हमसे, तो इसमें सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सोल्डरिंग कर देते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाते ना तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने क्या किया, देखिए जैसा ये वायर था इसमें मैंने यहाँ पर एक SMBS लगा दी, और सिर्फ मेरे को इसमें प्लस एक माइनस देना है, और पावर सप्लाई के लिए जो मेन लाइट वाले वायर है वो तो है ही सही। अब मैंने क्या करा, इस वाली सप्लाई को सिर्फ मैं पावर दूंगा जिसमें हमारा ये सेटअप जो है, जिससे आगे के तक करंट का चालू हो गया। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे कि उसका मैंने कनेक्शन नहीं किया हुआ इसलिए वो नहीं चला है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको दिखाने के लिए जो मैंने अभी कनेक्शन करा ये तो चालू हो गया, ये वाले का कनेक्शन नहीं हो रहा। तो इनके कनेक्शन भी मैं करके पूरा दिखाऊंगा आपको, अभी फिलहाल ये देखिए कि कुछ इस तरीके से हमारा जो तोरण है वो दिख रहा है। तो यहाँ पर वी शेप बन गया, लेकिन बीच में दो वाइट आ गए अपने, तो उससे क्या हुआ कि ये एम शेप बन गया। चलिए यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो चलिए मैं आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसको छत पे लगा के कि अंधेरे में किस तरीके का दिखता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना, और शॉर्ट वीडियो के लिए हमारा शॉर्ट वाला चैनल जो है उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी चलिए इसको हम अंधेरा करते हैं और लगाते हैं अंधेरे में, ताकि आप इसको देख पाएंगे किस तरीके से दिखता है। तो चलिए अंधेरा करते हैं।